Those are day school. Retire ho gaye. Minister, ek president aur ek chief of chief justice of Pakistan. Sadar Alvi ki jaake jab koi naya sadar aayega to Alvi se jaan chutegi aapki. Us waqt na nahi chutti. He is to continue till his successor. Ye sirf ek nayi baat aapse karna chahta tha wo ke sadar se aapki jaan nahi chutegi bhai sahab. सदर उस वक्त तक चलेगा जब तक नया सदर इलेक्ट होंगे और उसकी जगह नहीं आएगा जो अपील का है और दीगर के है मामला वो जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाएंगे सुप्रीम और एक चीज आपको बता दूं हाँ ये एक मैं आपको ये भी एक गलत फहमी है बिल्कुल गलत फहमी क्या है कि ये सब लोग तीन लोग तीन बड़े सितंबर 2023 को रिटायर हुए तीन बड़े एक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट और एक चीफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं ये जिनके दो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ये फारिग हो गए तो हमारी मौज और इनको सत्कार दिया जाएगा हम अपना सदर लेके आएंगे भाई एक चीज याद रखो सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो नया सदर नहीं आ सकता वही सदर चलेगा उसके बारे में क्या लिखा है द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स एंड मे कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफ अब सक्सेसर उसने तो वोट डालना है पंजाब की असेंबली में भी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में सदर आप अपना वफाकी सदर इलेक्ट कर सकते हैं दो असेंबलियों को निकाल के उनके इलेक्शन ना हुए हो ये मुमकिन ही नहीं है उनके इलेक्शन होंगे इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा फिर सदर अलवी की जाके जब कोई नया सदर आएगा तो अलवी से जान छुटेगी आपकी उस वक्त ना नहीं छुटती ही इज टू कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर स्टेप्स इन टू द ऑफिस अब ये लोग समझते नहीं कह रहे हैं कि जी वो जाएगा प्रेसिडेंट जाएगा और चीफ जस्टिस जाएगा तो हम निपट लेंगे बाकी जजेस हम आपको उस वक्त भी निपटने नहीं देंगे हम वकला उस वक्त भी नहीं निकला उस वक्त भी हम चीफ जस्टिस फैज ईसा के लिए भी हम निकलेंगे इफ ही बिकम्स द चीफ जस्टिस एंड ही विल व्हाई शुड ही नॉट वी विल बी ऑन द रोड to protect his tenure, his rights and his authority. Wukla, uske liye bhi niklenge, Faizi. Wukla, Aitzaz Ahsan ke liye bhi niklenge. Wukla, Mansoor Ali Shah ke liye bhi niklenge. Yahya Afridi ke liye bhi niklenge. Ye Chief Justice is aa rahe. To isme koi riayat, koi nahi honi chahiye. Ke ye hum ek Chief Justice aur dusre mein imtiaz karte hain. Bilkul nahi karte. Hamare liye Qadi Faizi sahab bhi waise Chief Justice hoga jaise aaj Umar Ata Panjal. अब इसमें मैं ये सिर्फ एक नई बात आपसे करना चाहता था वो कि सदर से आपकी जान नहीं छूटेगी भाई साहब सदर उस वक्त तक चलेगा जब तक नया सदर इलेक्ट होके और उसकी जगह नहीं आएगा वो इलेक्शन कब होगा जब पंजाब की असेंबली सरहद की असेंबली मुकम्मल हो गई होगी जब वो मुकम्मल हो गई होगी तो उस वक्त सारे वफाक का वोट होगा प्रेसिडेंट के लिए ये पंजाब को और खैबर को या कोई दो सूबों को छोड़ के आप इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं कर सकते और ये कब होगा जब इलेक्शन होंगे इलेक्शन किसके होंगे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के तो जो भी है इनको ये होश कान लेने चाहिए कि इलेक्शन होने ही है और इलेक्शन मैं आपको यही बता दूं इलेक्शन उस दिन होंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो डिटरमिन करेंगे किसी की मजाल नहीं होगी उससे देरी करने की ये 14 दिसंबर इन्होंने गुजार ली है एक इसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल बना दी ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 14 दिनों में आप सारी लिस्टें भी पहुंचाएं पोलिंग स्टेशन भी सामान पहुंचाएं सारा कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर की जगह कोई और तारीख 14 मई दे दे 14 मई सॉरी 14 मई की जगह कोई और 24 मई कर दे 3 अप्रैल कर दे 13 अप्रैल कर दे ये सुप्रीम कोर्ट
جس دن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آج الیکشن ہونے اس دن ہونے اسی دن ہونے. آخری لائن کے جو مذاکرات ہیں ان کو پری پی ڈی ایم کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، صرف نون لیگ کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی. نہیں، نون لیگ بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی وہ یہ مذاکرات میں حصہ ہی